Hello my dear students, my last lecture was based on NMR spectroscopy in which I have told about theory of the NMR spectroscopy. Okay, theory means the theory on which the spectroscopy nuclear magnetic resonance is based. Okay, we are going to talk about particularly proton NMR, HNMR. Okay, so let us begin. In this lecture I will talk about the application, mainly what in last lecture it was the theory of NMR spectroscopy, and now we will talk about the application of that theory. Okay, so let's begin. In last lecture I have stopped on chemical shift, the topic chemical shift. Kya hai chemical shift? कोई भी चीज़ हम लोग मेज़र करते हैं, उसी तरीके से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो रेजोनेंस मेज़र करते हैं वो सिग्नल के फॉर्म में मेज़र करते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रा कहते हैं. ठीक है, तो वो जो सिग्नल मेज़र करते हैं वो एक रेफरेंस के कंपैरिजन में देखा जाता है उसकी वैल्यू कहाँ आ रही है, उसी को हम यहाँ केमिकल शिफ्ट कह रहे हैं. केमिकल शिफ्ट, द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द NMR रीजन रिजल्टिंग फ्रॉम द शील्डिंग एंड डी शील्डिंग. अभी मैं ये शील्डिंग डी शील्डिंग अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाती हूँ. शील्डिंग एंड डी शील्डिंग बाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट. तो केमिकल शिफ्ट क्या है? हमारा जो हाइड्रोजन है वो कैसे एनवायरमेंट में है, वो शील्डिंग एनवायरमेंट में है कि डी शील्डिंग एनवायरमेंट में है, उस पर डिपेंड करते हुए वो हमारा केमिकल शिफ्ट, मतलब वो हमारा वैल्यू देता है. केमिकल शिफ्ट जो है वो डेल्टा से डिनोट करते हैं. ओके, नाउ शील्डिंग इफेक्ट. When a proton is present inside the magnetic field more close to an electropositive atom, more applied magnetic field is required to cause excitation. This effect is called shielding effect. When a proton is present outside the magnetic field close to a electronegative atom, less applied magnetic field is required to cause excitation. This effect is called deshielding effect. होता क्या है, हमारा जो न्यूक्लियाई है वो खुद तो स्पिन कर रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर हमारे न्यूक्लियाई सिग्मा बॉन्ड से किसी दूसरे एटम से कनेक्टेड है, ठीक है, तो और जो एटम से कनेक्टेड है अगर अगल बगल कहीं उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप लगा है मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाए, प्लस हाई इफेक्ट दे, न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करे, वो बढ़ाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इफेक्ट इसको बोलते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, देने की टेंडेंसी होती है. तो अगर किसी ऐसे ग्रुप से हमारा प्रोटॉन लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है. इलेक्ट्रॉन भी आपस में सर्कुलेट करते हैं, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, हम जो बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने बताया एच जीरो या बी जीरो के साइन से डोनेट किया जाता है, तो हम जो बाहर से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, बाहर से जो हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं अपने कंपाउंड को, वो उसका इफेक्ट कम हो जाता है, हमको बाहर से और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता है. ठीक है, क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए उसी के अपोजिट साइड का अंदर एक नया मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन के थ्रू. ठीक है, तो हम शील्डिंग इफेक्ट को शील्ड करना, शील्ड मतलब कि एक दीवार बन जाना, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियाई के लिए एक दीवार की तरह काम करते हैं. ठीक है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि डी शील्डिंग क्या है. अगर हमारा न्यूक्लियाई किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है, ठीक है, तो क्या होता है कि न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्योंकि अपनी ओर खींच रहा है तो उनकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है. ठीक है, उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, तो उस केस में वो हम जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा महसूस होता है, तो हमको बाहर से थोड़ा मतलब कम लगाना पड़ जाता है. ठीक है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हायर वैल्यू आएगी, केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू आएगी डी शील्डिंग में हायर आती है, और शील्डिंग में क्या आती है, कम आती है. देखते हैं, इधर देखिए, केमिकल शिफ्ट, द एग्जैक्ट फील्ड स्ट्रेंथ इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन. केमिकल शिफ्ट को हम पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं. ठीक है, केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू द एब्जॉर्ब्ड द फ्रीक्वेंसी एट विच वी गेट द सिग्नल
डिवाइडेड बाई द फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर. जो स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज़ करते हैं वो 60 मेगाहर्ट्ज़ या 300 मेगाहर्ट्ज़ कुछ उसकी फ्रिक्वेंसी हम सेट करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी का एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं. तो उसी से अगर डिवाइड कर दें इंटू 10^6, ये आपका केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स शील्ड न्यूक्लियाई फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग देन टू एब्जॉर्ब एट स्लाइटली हायर एनर्जी. क्योंकि हमारा न्यूक्लियाई जो है वो इलेक्ट्रॉन से शील्ड बन जा रहा है, शील्ड हो जा रहा है. ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से शील्ड हो जा रहा है तो हमको बाहर से जो हम बाहर से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं वो हमें कुछ ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा, इसीलिए उसको कहा जाता है हाई फील्ड या फिर अप फील्ड. तो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो आपको ग्राफ की तरह दिख रहा है, इसका जो राइट साइड है ये इसको अप फील्ड कहा जाता है. मतलब जितना हमें शील्डिंग वाला एरिया दिखेगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम आएगी, डेल्टा वैल्यू उतनी ही कम आएगी. ठीक है, शील्डिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरिंग फंक्शनल ग्रुप ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियाई एंड कॉन्सिक्वेंटली द केमिकल शिफ्ट ऑफ देयर रेजोनेंस. ये जो हम डी शील्डिंग देख रहे हैं डाउन फील्ड, ये इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो जो बाहर से हमको मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, वो बहुत कम लगाना पड़ेगा, तो वो डाउन फील्ड यानी कि लो फील्ड में आ जाएगा. तो जो डाउन फील्ड होता है डी शील्डिंग के लिए डाउन फील्ड, और वैल्यू कहाँ आती है, लेफ्ट साइड में, यानी कि हायर वैल्यू आती है डेल्टा की. अप फील्ड की बात करें, शील्डिंग मतलब कि अप फील्ड, डेल्टा की वैल्यू क्या आती है, बहुत कम आती है. अच्छा, ये देखिए यहाँ पे जो हम ये यूज़ कर रहे हैं टेट्रामिथाइल सिलेन, जिसको कि TMS से डिनोट किया जा रहा है, इसको स्टैंडर्ड की तरह यूज़ किया जाता है, रेफरेंस. हम लोग कोई भी जब मेज़रमेंट लेते हैं तो किसी एक रेफरेंस से लेते हैं, रेफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कंपेयर किससे करेंगे, किसकी वैल्यू इतनी आ रही है. एक स्टैंडर्ड रखना पड़ता है, वो स्टैंडर्ड क्या है, टेट्रामिथाइल सिलेन, जिसकी वैल्यू ज़ीरो पर आती है. इसका डेल्टा वैल्यू जो है, केमिकल शिफ्ट है, वो ज़ीरो है. अब समझ जाइए कितना ज़्यादा ये शील्डेड है. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा शील्डेड है, इसलिए इसकी वैल्यू कहाँ आ रही है, ज़ीरो पर. और ये ज़ीरो पर आ रही है इसलिए हम इसको रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, ज़ीरो से हम कंपेयर करते हैं कि बाकी मॉलिक्यूल्स का वैल्यू कहाँ आ रहा है. ओके, गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. इंटरनल स्टैंडर्ड TMS ही क्यों यूज़ करते हैं, इसका बहुत अच्छे फीचर्स हैं. इसीलिए रेफरेंस मटेरियल विच इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड एज इंटरनल स्टैंडर्ड इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रेफरेंस दैट इज टेट्रामिथाइल सिलेन. ओके, क्या फ़ायदे हैं इसके, इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड इमिसिबल विथ लार्ज रेंज ऑफ सॉल्वेंट. क्योंकि ये किसी भी सॉल्वेंट से, बहुत बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट से में डिजॉल्व कर सकता है, तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है इस केस में. इट इज़ हाईली वोलेटाइल एंड कैन बी इजली रिमूव टू गेट बैक द सैम्पल. क्योंकि ये बहुत हाईली वोलेटाइल है तो तुरंत उड़ जाएगा सैंपल, हमको मतलब रिमूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. TMS एक पीक देता है जो कि ज़ीरो पर है. TMS gives an intense sharp peak at low concentration. It has low boiling point. क्योंकि ये volatile है, it has low boiling point. तो ये सब इसके features हैं जिसके वजह से हम TMS को internal standards के रूप में use करते हैं. फिर से यहाँ पे देख लीजिए, shielding, de-shielding को बताया गया है. Shielding of protons, जो बताया है मैंने उसी को यहाँ लिखा गया है. High electron density around a nucleus shield the nucleus from external magnetic field and the signals are फील्ड इन द NMR स्पेक्ट्रम. अप फील्ड मतलब ज़्यादा हमको अलग से चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो जो शील्ड कर दे रहे हैं वो कम कर दे रहे हैं बाहर की वैल्यू, उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा है. आप ही सोचिए, अगर हम घर में बैठे हुए हैं और हम खूब सारा स्वेटर पहने हुए हैं तो बाहर जो ठंड है वो हमको ठंड तो लगेगी नहीं. ठीक है, तो ये जो स्वेटर है क्या कर रहा है, वो ठंड को या हवा को वो शील्ड करेगा. ठीक है, हमें वो महसूस नहीं होगा. उसी तरीके से अगर न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड किए हुए हैं तो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को वो महसूस नहीं कर पाएगा. तो उस न्यूक्लियाई को मैग्नेटिक फील्ड महसूस कराने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता है, इसलिए वो अप फील्ड में शिफ्ट हो जाता है, माने कि हायर मैग्नेटिक फील्ड में. ओके, अब डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड ए न्यूक्लियस डी शील्ड्स द न्यूक्लियस फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द सिग्नल्स आर डाउन फील्ड इन द NMR स्पेक्ट्रम. ठीक है, जब कम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कोई बात नहीं, हम जितना दे रहे हैं वही उसके लिए काफ़ी है.
उसको एक्स्ट्रा का जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या, वो डाउन फील्ड में लाई करेगा। ये देखिए, ये शील्ड और अप फील्ड का रीजन है राइट साइड वाला, और ये आपका डाउन फील्ड और डी शील्ड का रीजन है। ये हमारा केमिकल शिफ्ट जो कि पीपीएम में है, डेल्टा वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। डायग्रामेटिकली देखिए यहाँ पे समझाया गया है वही चीज जो हम अभी बताए हैं आपको। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी जीरो, ठीक है। ये हमारा आइसोलेटेड प्रोटॉन है, मतलब ऐसा प्रोटॉन जिसके अगल बगल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अकेला है ये। तो ये पूरा का पूरा बी जीरो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फील करेगा, ठीक है। और उसको फील भी तो करना है क्योंकि उसको फ्लिपिंग करनी है, उसी को हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस फील करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस जगह पे देखते हैं जहाँ पे हमारा ये जो न्यूक्लियस है वो, ये देखिए बॉल के तरीके से जो दिख रहे हैं क्लाउड्स, या आपके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूम रहे हैं, और इनके थ्रू ये जो एरो दिख रहा है ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, जो कि जो हम बाहर से बी जीरो दे रहे हैं उसके अपोजिट है, ठीक है। इसीलिए ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम कर दे रहा है। तो इस केस में हमारा न्यूक्लियस क्या है, शील्डेड है। तो न्यूक्लियस हमारा बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड को कम फील करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए हमने फॉर्मूला बताया है, मेरे नोट्स का ये फोटोग्राफ है थोड़ा, इसलिए समझिएगा इसको अच्छे से। डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, ऑब्जर्व्ड शिफ्ट फ्रॉम टीएमएस इन एच, ये एच जेड लिखा है, हर्ज्ड है ये, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ज्ड। तो हम वही जो बताया हमने, जो हमको ऑब्जर्व शिफ्ट मिल रहा है टीएमएस, टीएमएस के रेफरेंस में जो हमको ऑब्जर्व शिफ्ट मिल रहा है वो डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर इन हर्ज। हमारा जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो जिस फ्रीक्वेंसी पर रन कर रहा है उसे डिवाइड कर दो इनटू 10^6। तो ये पार्ट्स पर बिलियन में हो गया। ऐसे तो इसका कोई यूनिट नहीं है, ये आपका पार्ट्स पर मिलियन में काउंट किया जाता है। द पीपीएम स्केल इंश्योर्स दैट द सिग्नल पोजिशन विल बी सेम रिगार्डलेस ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस। अब देखिए हमें केमिकल शिफ्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम डेल्टा वैल्यू से मेजर कर रहे हैं। हम चाहते तो हर्ज में भी तो आपका एनएमआर सिग्नल मेजर कर सकते थे, कर सकते थे। क्या दिक्कत है, देखिए इसमें समझाया गया है वही चीज़। अगर हम हर्ज यूनिट में फ्रिक्वेंसी मेजर करते, किस फ्रिक्वेंसी पर हमारा सिग्नल आ रहा है, अगर वो हम हर्ज पर मेजर करते तो हम अलग अलग मशीन जो यूज़ करते हैं, 60 मेगाहर्ट्ज़ का हमने मशीन यूज़ किया, स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया, उसमें उसकी वैल्यू अलग आएगी। और हम अगर 300 मेगाहर्ट्ज़ का यूज़ करते हैं तो उसमें उसकी वैल्यू अलग आएगी। मतलब कि हमें सारे सेम कंपाउंड का अगर हम हर्ट्ज में मेज़र करते हैं उसका सिग्नल, तो उसका वैल्यू डिफर करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम डेल्टा में मेज़र करते हैं तो हम चाहे उसको 60 मेगाहर्ट्ज़ में अगर उसकी वैल्यू देखें, चाहे हम 300 मेगाहर्ट्ज़ वाले स्पेक्ट्रोमीटर में उसकी वैल्यू देखें, उसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही चीज़ दिखाया है, ये जो ऊपर का लाइन दिख रहा है ये फ्रिक्वेंसी मेज़र कर रहा है हर्ज, मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेंस हुआ है एक्चुअली, ठीक है। और जो नीचे वाला लाइन दिख रहा है ये केमिकल शिफ्ट है, डेल्टा वैल्यू, जो कि आपका पीपीएम में टीएमएस के रेफरेंस में हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। अब ज़रा यहाँ देखा जाए, अगर कोई कंपाउंड है जिसका वैल्यू हमें यहाँ पे, ये देखिए ये सिग्नल हम दिखा रहे हैं, ये डार्क लाइन से हम सिग्नल दिखा रहे हैं, जो कि अगर फ्रीक्वेंसी में मेजर करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, लगभग 30 हर्ट्ज आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू 30 हर्ट्ज आ रही है ऊपर से, यहाँ थोड़ी 60 वाला थोड़ा इधर होगा, यहाँ 30 होना चाहिए आसपास। तो यहाँ 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के स्केल पे मेजरमेंट है इसका, और अगर हम नीचे से टीएमएस वाले से इसको मेजर करें तो ये लगभग 0.5 पीपीएम पे आ रहा है, ठीक है। ये जीरो है, ये आपका वन है, तो उसके आधे पे लगभग आ रहा है 0.5 पीपीएम में। किसी कंपाउंड का अगर हम मेजर करते हैं सिग्नल, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कोई भी कंपाउंड है, तो उसका सिग्नल अगर हम पीपीएम में देख रहे हैं तो 0.5 पीपीएम आ रहा है, और अगर हर्ट्ज में देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू 30 हर्ट्ज आ रही है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 60 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रोमीटर हमने यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे जो 60 मेगाहर्ट्ज़ लिखा है ये स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रिक्वेंसी बता रही है कि टोटल 60 मेगाहर्ट्ज़ का हम यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किए हैं, जिसमें कि हर्ट्ज़ में इसकी वैल्यू 30 हर्ट्ज़ आ रही है सिग्नल की, और पीपीएम में 0.5 पीपीएम आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम 300 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं,
ठीक है। अगर हम 300 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं, उस केस में देखिए जो हमारा वही सिग्नल है उसकी वैल्यू 150 हर्ज आ रही है। ऊपर के स्केल से अगर हम हर्ट्ज के स्केल से इसका एब्जॉर्प्शन मेजर करें, ठीक है, तो लगभग 150 हर्ज इसका वैल्यू आ रहा है। लेकिन अगर टीएमएस से हम लोग देखें इसको, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0.5 ppm आ रही है। सेम कंपाउंड का मेजरमेंट हमने यहाँ 60 मेगाहर्ज स्पेक्ट्रोमीटर में लिया था, तो फ्रीक्वेंसी स्केल से इसकी वैल्यू 30 हर्ज आ रही थी, और इस केस में अगर हमने 300 मेगाहर्ज का स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया था तो फ्रीक्वेंसी स्केल में इसकी वैल्यू 150 हर्ज आ रही थी। दोनों में अंतर आ जा रहा है, सेम कंपाउंड का अलग अलग अंतर आना, तो हम तो ये तो हमारे फिर काम का नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने केमिकल शिफ्ट को ppm में बनाया, जो कि अडेप्ट किया गया, क्योंकि हम देखते हैं कि टीएमएस के रेफरेंस में अगर हम इसका वैल्यू देख रहे हैं तो 300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर में भी 0.5 है, और 60 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रोमीटर में भी इसकी वैल्यू क्या है, 0.5 है, जो कि नहीं बदल रही है। तो कोई अगर कंपाउंड उसकी कोई किसी भी कंपाउंड का जो केमिकल शिफ्ट आ रहा है किसी भी मशीन में, कितने भी फ्रिक्वेंसी के मशीन में आप स्पेक्ट्रोमीटर में उसको आप यूज़ करिए, उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी, ठीक है। तो ये है हमारा केमिकल शिफ्ट का इम्पोर्टेंस। हमारा केमिकल शिफ्ट जो होता है, हमने बताया ही आपको कि शील्डिंग डीशील्डिंग से उसके वैल्यू पे इफेक्ट आता है। और भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ये तो वही बात हो गई, शील्डिंग डीशील्डिंग की वजह से ही दिखा रहा है। आगे बताएंगे कि मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी क्या है, एनिसोट्रॉपी ऑफ पाई सिस्टम। पाई सिस्टम से भी केमिकल शिफ्ट का वैल्यू जो होता है वेरी करता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स डीशील्डिंग और टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ये सब आपका केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड कर, मतलब उसको वेरी कराते हैं। अगर हम यहाँ पे ये टेबल देखें, ये मिथाइल आयोडाइड है, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल क्लोराइड है, और ये मिथाइल फ्लोराइड है। सबसे ज़्यादा वैल्यू देखिए CH3F का है, ज़्यादा है मतलब कि डी शील्डेड है ये, 4.26 डाउन फील्ड की तरफ है। क्लोराइड वाले का देखिए 3.10 और अप फील्ड में जा रहा है, BR वाले का देखिए और अप फील्ड में आ गया 2.65 और आयोडाइड वाले का 2.16। तो ये देखिए जैसे जैसे हमारा फ्लोरीन से आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव घटती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो वैल्यू भी क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब वो आपका अप फील्ड की तरफ जा रहा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम होगी तो वो डी शील्डेड होगा, उसकी वैल्यू उतनी हाई होगी, उसकी वैल्यू क्या मतलब डेल्टा वैल्यू बहुत हाई आएगा, जो कि हमारा CH3F के साथ है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हमने दिखाए हैं, ग्रेटर देन, हाँ अब यहाँ पे देखिए आप डेल्टा वैल्यू, मतलब हम केमिकल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, केवल अगर मिथाइल ग्रुप की बात करें CH3 की वैल्यू आती है 0.9 के आसपास। अब ये मिथिलीन CH2 की वैल्यू जो है वो आती है 1.3 के आसपास डेल्टा वैल्यू, और ये मिथाइन माने केवल CH की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.7, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जैसे जैसे हाइड्रोजन घट रहा है और कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कार्बन है वो हाइड्रोजन से थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा है, तो यहाँ पे एच ज़्यादा है तो इसकी मतलब ये और अप फील्ड की ओर में है 0.9। जैसे जैसे एच हट के वहाँ पे कार्बन लगते जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल लग एटम लग रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है 0.9 से 1.2, 1.3, 1.3 से 1.7, तो ये भी आपका डी शील्डिंग की ओर जा रहा है। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन ऑन ए टर्शियरी कार्बन टू विच मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आर अटैच्ड इज द मोस्ट डाउन फील्ड इन द सीरीज। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बाई एडजेसेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर ग्रुप हैज ए डी शील्डिंग इफेक्ट ऑन द न्यूक्लियस विच लेड्स टू, बता चुकी हूँ मैं आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर प्रेजेंट है बगल में एच एटम के बगल में तो वो भी आपका डी शील्डिंग डाउन फील्ड को कॉज करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इसी को समझाने के लिए, जो हम वैल्यू देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। जैसे यहाँ पे हम CH3 CH2 CO CH3 दिया है, तो थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, माने केमिकल इन्वायरमेंट उन तीनों का अलग अलग है, ये CH3 अलग है, ये CH2 अलग है और ये CH3 अलग है, मतलब कोई भी हाइड्रोजन इन तीनों में आइडेंटिकल नहीं है, इसीलिए हम इसको A B और C नेम दे रहे हैं, ठीक है।
ये आपका ये वाला प्रोटॉन को ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, इसको सी कह रहे हैं। अब ये देखिए इनका डेल्टा वैल्यू कैसे कैसे आएगा, ठीक है, इनका डेल्टा वैल्यू कैसे आएगा, कैसे आएगा मतलब किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, कौन डाउन फील्ड में जाएगा, कौन अप फील्ड में जाएगा, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये CH3 देखिए, इसके बगल में क्या है, CO। पहली बात तो CH3 देखते हैं और CH2 देखते हैं, ठीक है। CH3 से ज़्यादा वैल्यू क्या किसका आता है, CH2 का आता है, ठीक है। अब इस CH2 पे आ जाइए, इस CH2 के बगल में भी CO है और इस CH3 के बगल में भी CO है। CO इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत ज़्यादा, तो CH3 से ज़्यादा वैल्यू CH2 की आती है। CH3 का आपका 0.9 आता है और CH2 का आपका 1.3 आता है, तो ऑब्वियस है कि ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा डी शील्डेड होगा, मतलब सी वाले की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी डेल्टा वैल्यू। अब बचा ए और बी, ए भी CH3 है और बी भी CH3 है। इन दोनों में देखिए इस CH3 के बगल में CO प्रेजेंट है और इस CH3 के बगल में CH2 प्रेजेंट है, तो क्योंकि इस CH3 के बगल में CO एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है, तो C के बाद क्या आएगा, B, और B के बाद क्या आएगा, A। तो CAB सबसे अप फील्ड में ये होगा और सबसे डाउन फील्ड में ये होगा, ठीक है। इसको समझिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट का सेक्शन होता है, उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी दोबारा से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिया गया है ईथर का, CH3O CH CH3, और इस CH पे एक और CH3 लगा हुआ है। अब ये देखिए ये O से CH3 लगा है, ये एक टाइप का हो गया, ये CH एक टाइप का हो गया, और इस CH से जो दो CH3 जुड़े हुए हैं ये एक टाइप के हो गए, AA, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइप के हैं, ये B और ये C, ठीक है। अब इसमें देखा जाए CH3 CH, हाँ पहली बात तो एक दो तीन ये तीनों CH3 हैं, ठीक है, और एक CH है, तो CH3 और CH के कंपैरिजन में CH की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है, वो ज़्यादा डी शील्डेड होगा। ऊपर से ये CHO के बगल में है, O आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड कौन सा आएगा, B वाला आएगा। उसके बाद बचा C और A, तो C वाला O के बगल में है, तो B के बाद कौन सा आएगा, C, और उसके बाद आएगा A, ठीक है। ये मोस्ट डाउन फील्ड है, ये मोस्ट अप फील्ड है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स भी देखिए इसमें आप, वही चीज़ है यहाँ पे भी, ये F लगा है CH से, ये O लगा है और ये N लगा है। F O से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O आपका N से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा डी शील्डेड ये वाला होगा, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ओके। यहाँ पे देखा जाए ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp2 है, हाँ sp2 है, ये भी आपका sp2 है। इस केस में भी आपका sp3 है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में होता है, ये सबसे कम वैल्यू इसकी होगी अप फील्ड की ओर, इससे ज़्यादा वैल्यू आपका एल्कीन्स का होगा और उससे ज़्यादा वैल्यू आपका ये बेंजीन के प्रोटॉन का हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, देखिए ये एग्जांपल्स को ज़रा ध्यान दीजिए। साइक्लोहेक्सीन बनाया है मैंने यहाँ पर, यहाँ पे उसके उसी का ईथर फॉर्म बना दिया है, ठीक है, और ये दोनों एग्जांपल यहाँ दिखा रहे हैं और ये दो एग्जांपल हम इधर दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू दी हुई डेल्टा वैल्यू 5.57, ठीक है, और यहाँ के जो हाइड्रोजन है इन दोनों के वैल्यू में देखिए अंतर दिख रहा है, इसका 6.37 हो जा रहा है और इसका इधर वाले प्रोटॉन का 4.6। अगर हम इधर वाले प्रोटॉन को अल्फा कहते हैं, यहाँ वाले को बीटा कहते हैं, तो अल्फा वाला देखिए डी शील्डेड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बीटा वाला। ऐसा क्यों हो रहा है, ओ के पास हमारा लोन पेयर है, इस तरीके से रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना। अब ये देखिए इस कार्बन के पास माइनस चार्ज लग जा रहा है, माइनस चार्ज लग रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ से जो प्रोटॉन जुड़ा हुआ है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब ये अप फील्ड शील्डिंग करेगा, इसीलिए इस प्रोटॉन की वैल्यू कम आ रही है इन कंपेरिजन टू अल्फा। क्लियर है सबको। इस एग्जाम्पल में भी देखा जाए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेनोन है यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको हम अल्फा कहें इसको हम बीटा कहें, तो इन दोनों के प्रोटॉन में भी देखिए अंतर आ रहा है वैल्यू, इसका डेल्टा वैल्यू आ रहा है 5.93 में, इसका डेल्टा वैल्यू आ रहा है 6.88। क्यों ऐसा हो रहा है,
क्योंकि ये भी देखिए रेजोनेट कर रहे हैं आपस में, ओ के पास माइनस चला जा रहा है और इसके पास यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस आ जा रहा है। यहाँ प्लस आ जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब वो डी शील्डेड रीजन में चला गया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा आ रही है 6.88। ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान देने वाली हैं, प्रॉब्लम्स में आते हैं, उसमें पूछता है किसका हायर होगा किसका लेस होगा, तो ये सब हमको समझना चाहिए। सेम एग्जाम्पल कुछ यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, ये आपका इंटरनल एल्कीन का प्रोटॉन है, यहाँ का प्रोटॉन है H जिसकी वैल्यू 5.3 पर आ रही है, ये टर्मिनल एल्कीन का यहाँ का H का वैल्यू आपका आ रहा है 4.9 पे, ठीक है। यहाँ लिखा है कि टर्मिनल एल्कीन CH appears at higher field than internal, क्यों, क्योंकि जो इंटरनल वाला एल्कीन है देखिए वो कार्बन से सब्स्टिट्यूटेड है, और ये जो टर्मिनल एल्कीन है ये केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूटेड है, तो हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूटेड, तो ये आपका अप फील्ड में आएगा और ये आपका डाउन फील्ड में आएगा। उसी तरीके से इसको भी देख लीजिए, ये आपका अनसैचुरेटेड है तो ये आपका कॉन्जुगेशन में है, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी इन कंपेरिजन टू दिस वन, इन कंपेरिजन टू दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम CH का केमिकल शिफ्ट वैल्यू बता रहे हैं, देखिए CH3 का 0.9, CH2 का 1.3 और CH है तो 1.5, ये थोड़ा सा याद होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। यहाँ मैं कुछ पेंसिल से लिखा हुआ है, आप देख सकती हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए CH डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा है तो लगभग उसकी वैल्यू 4 से लेकर 6 के बीच में आती है। एल्कीन्स का अगर हमें पता करना है कि एल्कीन का रेंज कौन सा है तो वो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लगभग 4 से 6 के बीच में आती है। एल्काइन्स का जो है वो 2 से 3 के बीच में आता है। बेंजाइलिक एरोमेटिक अगर प्रोटॉन है तो उसकी वैल्यू 6 से लेकर लगभग 8 साढ़े 8 तक आता है, ठीक है। और ये आपका बेंजाइलिक है मतलब एरोमेटिक रिंग से जो कार्बन जुड़ा है उससे जो प्रोटॉन लगा हुआ है उसकी बात हो रही है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, लगभग 2.2 से 3 के बीच में आती है। ये जो मैंने प्लस 1.4 लिखा है इसका मतलब कि जैसे कि अगर यहाँ पे CH3 है तो CH3 वाला 0.9 है, उसमें 1.4 जोड़ दीजिए आप, ठीक है, उतनी आएगी लगभग। CH2 है अगर 1.3 तो इसके लिए आप 1.4 जोड़ दीजिए, ठीक है। जो भी यहाँ पर दिया होगा CH3, CH या CH2 उसके हिसाब से ये वैल्यू दिया हुआ है 2.2 से 3 है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी देख लीजिए, अगर CHCO से जुड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू 2 से 2.7 के बीच में आती है, ठीक है। एल्डिहाइडिक प्रोटॉन का सबसे ज़्यादा आता है 9 से 10 के बीच में, क्यों ज़्यादा आता है ये सब आगे बताएंगे, इफेक्ट्स में आते हैं। OH से है तो 3.4 से 4, ठीक है। हाँ ये एसिड का भी देखिए सबसे ज़्यादा है, 10-12 के आसपास आता है एसिड का प्रोटॉन जो है, तो ये एसिड के प्रोटॉन, एल्डिहाइड के प्रोटॉन, ये सब हमें स्ट्रक्चर पहचानने में, फंक्शनल ग्रुप पहचानने में काम आता है, ये वैल्यू से केवल वैल्यू डिटेक्ट कर करके, ठीक है। ये देखिए ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका केमिकल शिफ्ट का पूरा रेंज दिखा रहा है, TMS के कंपैरिजन में पूरी वैल्यू दी हुई है, और फंक्शनल ग्रुप किस किस रेंज में लाई कर रहा है यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। ये आपका देखिए, ये आपका एल्कीन्स है जो कि लगभग 4.5 से लेकर 6.5 तक आ रहा है। ये एरोमेटिक प्रोटॉन है जो कि 6.5 से लेकर 8 तक में आ रहा है। ये एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है, ये आपका एसिड वाला प्रोटॉन है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि इधर आपकी शील्डिंग है, लो फ्रीक्वेंसी है, लो केमिकल शिफ्ट है, अप फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे डी शील्डिंग है, हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई केमिकल शिफ्ट है और डाउन फील्ड है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, शील्ड शिफ्ट क्या है और डी शील्ड शिफ्ट क्या है, ठीक है। शील्ड शिफ्ट आपका रिक्वायर्स, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, अगर ये आपका न्यूक्लियस है रेड कलर का और उसको इलेक्ट्रॉन सराउंड किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स आपके सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आपके सर्कुलेट कर रहे हैं और हम बाहर से B0 मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं,
ठीक है। तो ये देखिए, ये जो एरो ऊपर की ओर जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ये एरो ऊपर की ओर जा रहा है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो ये डाउन फील्ड एरिया है, माने कि डी शील्डिंग रीजन है, जिसको हम माइनस साइन से बता रहे हैं, ठीक है। अब बीच में देखिए, जरा सा बीच में ये एरो देखिए नीचे आ रहा है, इस तरीके से एरो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, और हम मैग्नेटिक फील्ड किधर दे रहे हैं, ऊपर की ओर, हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं ऊपर की ओर, और ये एरो मीन इनका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर डायरेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से हो जा रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर और ये इसको काट रहा है, शील्ड कर रहा है, तो ये आपका शील्डिंग रीजन में आता है, ठीक है। ये आप, ये इसलिए बताया गया है, आगे अभी एनिसोट्रॉपी बताया जाएगा आपको, उसमें ये सब चीज़ें समझाई गई हैं, बट आई थिंक आई विल कंटिन्यू इट माई नेक्स्ट लेक्चर, कल या परसों में मैं आपको अपना अगला लेक्चर दे दूंगी इसका, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, इसमें टॉपिक बहुत बड़ा है ये, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज कर जाएंगे। तो अभी तक जितना बताया है फिर से रिवाइज कर लीजिए उसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। थ्योरी पे नहीं जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एनएमआर में क्या है, हमारा केमिकल शिफ्ट है। केमिकल शिफ्ट क्या है, जिससे हम सिग्नल को मेजर करते हैं, वो मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। और किसके रेफरेंस में यूज़ करते हैं, TMS, टेट्रामिथाइल सिलेन के रेफरेंस में यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि TMS की वैल्यू जो है सबसे हाई अप फील्ड पे होती है, जो कि जीरो होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अप फील्ड और डाउन फील्ड, क्लियर हो गया होगा आप लोग को, न्यूक्लियाई हमारा है, न्यूक्लियाई का अपना मोमेंटम है, न्यूक्लियाई के अगर बाहर इलेक्ट्रॉन का घेरा ज़्यादा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का घेरा ज़्यादा है तो वो न्यूक्लियस को शील्ड कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे बाहर के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो न्यूक्लियस पे असर कम करता है फिर, ठीक है, वो अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड है उसको काट देता है, इससे हमारा न्यूक्लियाई बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को फील नहीं कर पाता, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाना पड़ता है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता है, इसीलिए उसको हम अप फील्ड कह रहे हैं, ठीक है, अप फील्ड कह रहे हैं। और वही अगर हमारा जो प्रोटॉन है उसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींचने वाला ग्रुप लगा है, तो जो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की है वो उस ग्रुप के तरफ चली जाएगी और न्यूक्लियाई के पास कम इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे या नहीं बचेंगे। उस केस में क्या होगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हमारा जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस हमारा एक्सपीरियंस करेगा। उस केस में वो कहाँ चला जाएगा, डी शील्डिंग रीजन में चला जाएगा, और डी शील्डिंग रीजन जो होता है वो केमिकल शिफ्ट के लेफ्ट साइड में आता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और शील्डिंग जो होता है वो राइट साइड में आता है, जिसकी वैल्यू कम होती है। एक बार फिर से ये फंक्शनल ग्रुप हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि किधर शील्डिंग ज़्यादा है, किधर डी शील्डिंग ज़्यादा है, ठीक है, ये भी हम याद कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, एल्डिहाइड है, एसिड है, और ये एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये सब हमें याद होने चाहिए, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हम जो ये प्लस थ्री प्लस ये सब जो लिखा है मैंने, ये भी अपना आप लोग भी जब पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आने लगेगा। जैसे कि हमारा जो CH है इसमें OH से O से लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें लिखा है कि 3.4 से 4 के आसपास में है, तो मतलब कि लगभग हमारा CH3 हो, CH2 है, जो भी है उसमें हम 3 जोड़ देते हैं, समझ रहे हैं आप, तीन जोड़ देंगे। तो जैसे इसमें अगर यहाँ पे CH3OH है तो CH3 का कितना आएगा, लगभग हम 3.9 लिख देंगे, मतलब एक वो रेंज है, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, RC डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो भी हम कितना ऐड कर दे रहे हैं, 3 ऐड कर दे रहे हैं। CH के बगल में C डबल बॉन्ड O है तो हम कितना ऐड कर दे रहे हैं, 2। तो ये एक हाइपोथेटिकल बनाया गया है ताकि थोड़ा सा याद हो जाए हमको, अगर हमें ये याद है तो हम बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अभी इसमें और भी चीज़ें बतानी है मुझे, लेकिन मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर बना रही हूँ, ताकि उतने ही पढ़ें आप लोग और उतना ही ज़्यादा समझें, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन भी करेंगे, ताकि आपको चीज़ों को समझ में आए, और भी क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पे कि हमारा केमिकल शिफ्ट वैल्यू डिपेंड करता है। मेन पूरा NMR जो है वो केमिकल शिफ्ट पर है, हम केमिकल शिफ्ट से ही किसी भी मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर में कितने काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने टाइप्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, ये सब हम लोग केमिकल शिफ्ट से ही मालूम करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।
जो भी नहीं समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो। वीडियो में आप प्लीज़ कमेंट करिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है हमें बताइए, उस हिसाब से आपको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।